रविंद्र जी, यहाँ से बात करें अगर स्पाइस कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि मसाले में धनिया में सबसे ज्यादा गिरावट बनती हुई नजर आ रही है। 4% का निचला लोअर सर्किट आज हम देने की कीमतों में बनता हुआ देख रहे हैं, अपने एक सपोर्ट लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और धनिया के साथ साथ देख रहे हैं कि जीरा और हल्दी की कीमतों में भी एक गिरावट के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। पूरा ही स्पाइस कॉम्प्लेक्स आज एक लाल निशान पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो रविंद्र जी, अब आपको यहाँ से क्या लगता है, क्या यहाँ से मसालों की एक्सपोर्ट डिमांड कुछ कम हुई है, कुछ फंडामेंटल्स चेंज हुए हैं, या फिर ये एक महज प्रॉफिट बुकिंग है? देखिए, एक तो रिवाइवल हुआ है मॉनसून रेन्स का, उस वजह से प्राइसेस पे जो ड्राई वेदर था उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो रिवाइवल हुआ है रेन का, उस वजह से प्राइसेस पे थोड़ा प्रेशर है। और वही प्रेशर जो है हम देख रहे हैं कि प्राइसेस पे देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी धनिया प्राइसेस जो है ये कंटिन्यूस 3 दिन से सेलिंग पे चल रहे हैं। और बाकी कमोडिटीज की बात करें तो जीरा को छोड़ के टर्मरिक में भी हमने सेलिंग देखी है। जीरा में भी कंटिन्यूस 2 दिन से हम देख रहे हैं कि सेलिंग मोड पे ये चल रही है कमोडिटी। आने वाले दिनों में थोड़ा सा प्रेशराइज रह सकती है, क्योंकि मॉनसून का जैसे रिवाइवल हुआ है और जो ड्राई वेदर था वो खत्म होता हुआ दिख रहा है, और उसी वजह से लग रहा है कि स्पाइसेस पैक है इसमें जो बल्क बाइंग हो रही थी उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है डोमेस्टिक लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी, क्योंकि इसमें जो वाटर कंटेंट होता है ये ज्यादा हो जाता था। उसके बाद में जो स्पाइसेस का क्वालिटी रहता है वो थोड़ा सा गिर जाता है, और इसी वजह से शायद चांसेस यही लग रहे हैं कि इसी वजह से डिमांड जो है ये थोड़ी कम हुई है, और उसी वजह से प्राइसेस जो है ये डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भी थोड़ा सा प्रेशराइज जरूर दिखेगा ये पैक, लेकिन उसके बाद में रिवाइवल के चांसेस भी हैं, क्योंकि दिवाली आ जाएगी 1 महीने के बाद और उस टाइम पे फर्दर अगेन इसमें बाइंग देखने को मिलेगी। तो अभी थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन एक डिप के बाद अगेन इसमें बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं जी।